मीडिया कर्मी के लिए जगह थी, लेकिन जो लोग हैं गांव गांव से आए हुए हैं, ये देखिए पूरे परिवार के साथ जो लोग आए हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जो लोग पानी की प्यास भी लगी है इंतजार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ से आए हैं, आप देख सकते हैं जो लोग गाँव गाँव से आए हैं, देखिए लोग दूर दूर से आए हैं परिवार के साथ आए हैं। और कहाँ से आए हैं? हरिबाग से ही है। सोनी घर है यहाँ आप लोगों तो मतलब ऐसा ही रामनवमी में चलता होगा पूरा। हमारा घर ही यहीं पे है तो हम लोगों तो बचपन से याद हो रखा है। कैसा रहता है यहाँ पे माहौल? हजारीबाग का रामनवमी बहुत शांति प्राप्त है, बहुत पूरा लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस बार भी बहुत शांति से मनाया जा रहा है। डीजी पे कम पाबंदी रहते हुए कुछ लोग डीजे लगा के डांस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है, शांति से गुजरा सब अच्छा है। और रात में क्या आप लोग सो पाते हैं? आप सोच सकते हैं कि इस जगह पे आप सो पाएंगे? ये हमारा पूर्वज का घर है, ऐसे हम लोग का नया घर मुर्दा बगीचा में, तो उधर आराम से सो के अभी आए। तो देखिए ये ईशान सोनी थे, किस तरह से इनका घर यही झंडा चौक के पास है, तो रात भर सो नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन है। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंच की तरफ। भीड़ जो है देखा आपने, दूर दूर से लोग आए हैं। कहाँ से आए चाची? झुमरा से आई है। चाची जो है वो झुमरा से आई है पूरे परिवार के साथ। लोग दूर दूर से यहाँ पे रामनवमी देखने के लिए आते हैं, इंटरनेशनल रामनवमी हजारीबाग का। और कल जो रास्ते चल रहा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो पुलिस की टीम है वो मार्चिंग कर रही है, इधर से उधर लगातार जा रही है। आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च हर जुलूस के साथ ये लोग लगातार कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस मंच पे जहाँ पे डीसी एसपी सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ का माहौल, कितनी जुलूस पार हुई है और कितना और वक्त लगेगा यहाँ पे जाने में। चलिए, तो यही मंच है जहाँ पे जितने अधिकारीगण हैं वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहीं से झंडा चौक का जो जुलूस है वो देखने को मिल रहा है। सर कैसा है आज का? अभी तक बहुत अच्छे से और बहुत भक्तिभाव से रामनवमी का जो ऐतिहासिक जुलूस है वो चल रहा है, और पिछले रामनवमी के मुकाबले इस बार जो भक्तों की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा दिख रही है। उससे समझ में आ रहा है कि क्या कितना जोश भक्तों में है और किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। पूरा हजारीबाग को एक मेला का रूप प्राप्त हो चुका है, और अखाड़ों ने जो झांकियाँ बनाई हैं वो भी बहुत सुंदर है और बहुत भक्तिभाव से बनाई है। अभी तक जो झांकियाँ यहाँ से जा चुकी है, संपन्न हो चुकी है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्द से जा चुकी है। कितने और बाकी होंगे झांकियाँ जाने? अभी तक करीब 20 से ऊपर झांकियाँ हम लोगों ने यहाँ से संपन्न कराई है, और करीब करीब 70 के आसपास अभी झांकियाँ बाकी है, बट हम लोग समय रहते उसको पूरा करा लें। और अभी शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? शहरवासियों को यही कहेंगे कि शहर में सभी जगह पे शांति है, आप लोग कहीं पे भी कोई अफवाह पर विश्वास नहीं रखें। हम लोग खुद यहाँ पे डटे हुए कल रात से ही, और पूरे व्यवस्था का मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और पूरी स्थिति नियंत्रण में है। पूरा हजारीबाग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और आप अपने चैनल से दिखा पा रहे होंगे कि एक मेला का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, बहुत आनंद का माहौल है। और मैं अपील करूंगा कि लोग भी इस आनंदमय माहौल में शामिल हो और आनंदमय माहौल का आनंद उठाए। देखिए जैसा सर कह रहे हैं यही है जामा मस्जिद का रोड, जहाँ से सारी झांकियाँ जो है वो अब धीरे धीरे क्रॉस करेंगी और क्रॉस कर भी रही हैं। मैडम है यहाँ पे, डीसी मैडम है, उनसे भी जानते हैं। मैडम क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अभी तक जो माहौल है वो क्या है? आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज शोभा यात्रा कल रात से और आज भी चल रही है, संभवतः आज रात तक ख़त्म होने की उम्मीद है जब तक सभी अपने गंतव्य तक वापस नहीं पहुंच जाते। अभी तक जुलूस शांतिपूर्ण रहा है, कोई भी मेजर या कोई बड़ी घटना के बगैर। तो और बाकी जो हमारे सभी जिला के वासी हैं जो दूर दूर से
जगहों से भी लोग आए हैं। इस बार काफ़ी भीड़ है, लोग इस बार देखने काफ़ी संख्या में आए हैं, तो वो एक चेंज है जो पिछले वर्ष की रामनवमी से दिख रहा है। पिछले वर्ष इतने लोगों की संख्या दूर से नहीं आए थे, बट इस बार काफ़ी लोग रूरल एरिया से भी आए हैं, महिलाएँ भी काफ़ी हैं, बहुत महिलाएँ हैं, बहुत बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने खासतौर पर हमारे फोर्स को डायरेक्ट किया है कि खासतौर पर महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखना है, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना करे, इसका ध्यान रखना है। हमारी फोर्स मुस्तैद है, मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं, पिछले 20 घंटे से कोई नहीं सोया है, तो सभी लोग अपनी ड्यूटी पे हैं और आशा है कि हम लोग शाम तक या रात तक हम लोग इसे पूर्ण कर लेंगे। सर, आपका भी लगातार तीसरा दिन हम लोग देख रहे हैं, रात में भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, फिर अभी बैठे हुए, अभी क्या लग रहा है आपको, कैसा है? रामनवमी का पर्व इस बार हम लोगों के लिए एक चैलेंज का पर्व है और इसमें लगभग लग रहा है कि 5 लाख से ऊपर की भीड़ यहाँ आई है। हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इसमें हम लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ पूरी तरह मुस्तैद हैं। ATS की टीम है, हम लोगों की जो पार्टी है, ठेलने वाली पार्टी है, वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रही है और हम लोग भी यहाँ डटे हुए हैं। इसमें एक चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने DJs के लिए निषेध किया था, लेकिन आज मैं कुछ देख रहा हूँ कि DJ से तो हम लोग उनपे ऊपर सरकारी काम में बाधा वाली 153 के अंदर FIR करेंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि इस तरह से महापर्व ये महात्वार बढ़िया से निकल जाए। थैंक यू। तो ये यहाँ पे DDC मैडम भी हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी हैं और जो भी अधिकारी यहाँ पे हैं, लगभग 20 झांकियाँ जो है यहाँ से क्रॉस कर चुकी हैं, जुलूस क्रॉस कर चुका है। और इस बार जैसा कहना है DC और SP साहब का कि महिलाएं जो हैं दूर दूर से आई है यहाँ पे देखने के लिए, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से तैयारी और भी बेहतर किया गया है। पिछले साल की बनिस्बत इस बार भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, कहना है लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे आई है और जिसकी वजह से काफ़ी मुस्तैद रही है प्रशासन भी, शांति मित्र भी और हर तरह के लोग जो रामनवमी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो खेमा था वो प्रशासनिक खेमा था जहाँ पे लगातार यहाँ पे पुलिस की टीम रही थी। पहले जो हम लोगों ने दिखाया था वो मीडिया कर्मी लोग के लिए था और जो लोग गांव-गांव से आए हैं, दूर दूर से आए हैं जो लोग, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। डाल पिछड़ी से आए हैं, डाल पिछड़ी से आ गए हैं, इतना दूर से देखने आए हैं। आए रामनवमी हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कैसा है माहौल? माहौल अभी तो अच्छा ही है। परिवार के साथ आए हैं? नहीं, मैं तो सिंगल आया हूँ। अकेले आए हैं? और अपना भाई लोग के साथ में आए हैं और भी आए हैं रिलेटिव, उनके साथ में सब हम लोग आए हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो देखिए किस तरह से महिलाएं आई हैं। आंटी कहाँ से आई हैं? आंटी कहाँ से आई हैं? हम आए हैं लुट्टा से। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल रामनवमी का? बहुत अच्छा लग रहा है। घूम रहे हैं पूरा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ घूम रहे हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ घूम रहे हैं। देखिए किस तरह से जो महिलाएं आई हैं दूर दूर से, गांव गांव से, वो यहाँ पे लगातार घूम रही हैं और देख रही हैं यहाँ का माहौल। तो हजारीबाग का जो रामनवमी है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहाँ से आए हैं? सखिया से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं रामनवमी? वाह, दूर से आना पड़ता है देखने के लिए, राम भगवान का मेला है। कैसा है माहौल? कैसा है? पूरा मस्त है माहौल, पूरा फाड़ है, गर्दा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ अब यही जो रोड है, जो जुलूस यहाँ से जो निकलती है एक एक करके, अभी जैसा SP ने कहा कि 20 लोगों की जुलूस है वो चली गई है, अभी लगभग 90-91 जो अखाड़े हैं उसमें से और भी अखाड़ों को जाना बाकी है, तो इसी रूट से लगभग लोग निकलते हैं यहाँ पे। देखिए जो लोग यहाँ पे हैं वो खड़े होते हैं, एक एक करके अखाड़ा का टाइम होता है यहाँ पहुँचती है, उसके बाद इसी रूट से आगे जाते हैं। हाँ, कब से आप लोग हैं यहाँ? हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं। जब से ये रास्ता खुला है, अंदाज तो नहीं है, हम तो बता नहीं सकते हैं। 40-50 अखाड़ा हो गया रामनवमी मौसम। अभी तो 10-20 बाकी है और लेट होने के कारण बारिश हो गई थी ना रात में बारिश होने के कारण प्रोसेशन लेट में निकला और ये जो रामनवमी आप देख रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक से हो रहा है और हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे हमारे जितने अखाड़े वाले लोग थे अच्छे शस्त्र का प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्वक हमारा रामनवमी हो रहा है और सभी मैं हजारीबाग वासियों को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए किस तरह से यहाँ जो लोग फास्टिंग है, रोजा है। रामनवमी मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? रामनवमी यही है कि शांतिपूर्व मनाएं और अच्छा लग रहा है
और अच्छा है, मतलब इसी तरह से आप मनाएं और जो लोगों की भीड़ है उसको देखें, जो लोग त्यौहार मनाएं दूर दूर से आए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका कदर करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से अच्छा से रखें। पूरा झारखंड में आपका नाम जाना जाता है और एकता का मिसाल जाना जाता है और एक नेक इंसान होने के नाते पूरा नाम आपका गूंजता है झारखंड में, इसके लिए आपका गाना चाहते हैं। जोहार जोहार हजारीबाग। पूरा यूट्यूब में आपका नाम अभी रोशन हो रहा है, नाम जाना जाता है कि फे जानवर एक नेक इंसान है जो एकता का मिसाल है और एकता का नाम देते हैं पूरा हजारीबाग में आपका। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए यही कहेंगे जोहार हजारीबाग, हम हजारीबाग से बहुत प्यार करते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और अपने देशवासियों से बहुत प्यार करते हैं। YouTube और Facebook में सबसे ज्यादा फॉलोवर हजारीबाग का आपका है, जो झारखंड में आपका वीडियो देखा जाता है। मैं फाटर बाबा हूँ, रांची से आया हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। रांची से आए हैं आप? रांची से आया हूँ मैं, और मेरा YouTube है, मेरा YouTube में 15 मिलियन व्यूअर्स। 15 मिलियन? 15 मिलियन। आप रांची से रामनवमी देखने आ गए? रांची से रामनवमी, रांची से पहले बंगाल गया था, बंगाल से फिर यूपी, यूपी से अगर हजारीबाग आया हूँ और हजारीबाग बुलाया गया है, वहाँ टोली हमको इनवाइट किया स्पेशल यहाँ बुलाने के लिए। क्या नाम है चहल का? मेरा नाम है जय हिंद गिरी बाबा। जय हिंद गिरी बाबा। तो देखिए जय हिंद गिरी बाबा स्क्रीन में, इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रांची से यहाँ पे देखने आए हैं। कबर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भैया, बहुत बड़ा फैन हूँ। फैज अनवर एक इंसान और एक नेक दिल दरिया का इंसान कहा जाता है यूट्यूब में, चर्चा होता है जब भी मीटअप होता है यूट्यूब का, यूट्यूबर का, तो चर्चा होता है कि फैज अनवर कौन है। तो फैज अनवर हजारीबाग का एक ऐसा इंसान है जो हर वीडियो को कवर करते हैं, व्यू करते हैं, रिव्यू दिखाते हैं। आपका नाम बहुत होता है भैया, मैं बहुत बड़ा फैन। थैंक यू आपका। हाँ थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पे जो माहौल है आप देख सकते हैं। हाँ अभी मैं हजारीबाग मीडिया प्रेस रिपोर्टर, जिनको लोग बहुत दूर दूर से देखते हैं, हर लोग इनका वीडियो देखता है। ये फैज अनवर है, जोहार हजारीबाग, जोहार हजारीबाग के हैं। जोहार हजारीबाग आप यूट्यूब में फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सभी सब्सक्राइब करें, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मैं फाटर बाबा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको सब्सक्राइब करें। ये हर वीडियो कवर करते हैं, दिन रात बरसात ठंडा गर्मी हर जगह पहुँच जाते हैं, हर धर्म का ये साथ देते हैं, हर धर्म का चर्चा करते हैं और हर धर्म का ये सहयोगी है। ये जरूर इनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर? बस यही है, गिरी बाबा को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इनका बहुत मिलियन सपोर्टर है, थोड़ा हम लोग को भी फॉलो कीजिए, इनको भी देखिए, अभी अच्छा काम कर रहे हैं ये, रांची से यहाँ पे आए हैं। अब इनके चैनल को हम भी जाकर देखेंगे भाई क्या क्या डालते हैं और चर्चा जरूर करेंगे आपके बारे में। मैं रांची से आया हूँ इनसे मिलने के लिए, प्लस बात यह है कि बहुत कमेंट आ रहा था कि हजारीबाग आइए, फैज भैया का मैं फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। जय श्री राम। ठीक है, जोहार हजारीबाग। तो क्या है, कब से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग सुबह से ही पे हैं सर। कितना झांकी पार हो गया? अभी तो 12 झांकी पार हो चुका है। 12 झांकी पार हुआ, कितना और टाइम लगेगा यहाँ? मुझे लगता है कि पूरा कंप्लीट होने तक शाम 7 बजे तक हो जाएगा। 7 बजे, 7 या 9 भी बज सकता है, काफी सारे जुलूस है अभी। देखिए यहाँ पे, हाँ क्या है बोलिए, क्या है बताइए आप, रामनवमी का माहौल क्या है? इस बार महिलाएं बहुत ज्यादा है, लड़कियाँ बहुत ज्यादा है, क्या बोलना चाहिए? हाँ इस बार रामनवमी का माहौल बहुत अच्छा है और इस बार लग रहा है कि लड़की लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय रामनवमी कर रही है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अलग अलग जुलूस में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो माहौल है रामनवमी में, वो घर घर से दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और एक सौहार्दपूर्ण रामनवमी जो है मन रहा है। आगे जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद से ही सारी झांकियाँ जो हैं वो पार होती हैं, धीरे धीरे अब मस्जिद पार हो रही है। क्या है रामनवमी, क्या है माहौल जी, माहौल क्या है रामनवमी का? रामनवमी का हाल ठीक है, बढ़िया शांतिपूर्वक जा रहा है। ठीक है, तो यही है आज, देखिए जो पुलिस कर्मी है लगातार यहाँ पे हैं। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ? सुबह से खड़े हैं। कैसा है माहौल? माहौल ठीक नहीं है, प्रशासन लूज है, कोई टिकटिव नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है, गाइडिंग में कुछ है ये नहीं है, बोला गया कोई लाइनअप नहीं है, कोई टाइम टेबल का कोई पाबंद नहीं है, गैपिंग देख लीजिए क्या हाल है, कोई टाइमिंग का नहीं, कोई लाइनअप कोई है ही नहीं, जुलूस का समिति वाले लोग बोलते हैं, प्रशासनिक बोलते हैं कि ऐसे रहेगा वैसे, कोई प्रशासन तो देख रहे हैं लगातार टाइट है यहाँ पे एकदम। लाइनअप नहीं है, लाइनअप किया हुआ ही नहीं है, लाइनअप तो देखिए गैदरिंग है, बहुत ज्यादा गैदरिंग है, पिछले बार से ज्यादा गैदरिंग है, लाइनअप रहता है। अभी हम लोग जामा मस्जिद रोड आ गए हैं और सुबह का जो माहौल है आपको दिखाया, झंडा चौक में, झंडा चौक से
जो प्रशासन की जो टीम जहाँ बैठी हुई है वहाँ का दिखाया, उसके बाद माहौल अभी जो है यहाँ पे बहुत धीरे धीरे जुलूस पार हो रहा है। हो सकता है आज 9 भी बज जाए। पुलिस की टीम लगातार यहाँ पे लगी हुई है, प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है और लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इस बार जुलूस में महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। गाँव गाँव से लोग आए हैं और लगभग 5 लाख लोगों के आने की आशंका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बैदनगर जोहार हजार।